आज हम लोग बनाने वाले हैं पीनट कतली, यानी कि मूंगफली की कतली। मूंगफली की कतली काजू कतली की तरह इक्वली यमी होता है और खाने में बहुत ज़बरदस्त होता है। पीनट कतली और काजू कतली का डिफरेंस शायद कोई ना बता पाएगा, और आप इसको बना के 15 दिन से ऊपर तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मिठाई स्टॉक में ना हो और अचानक से मेहमान आ गए हैं तो 10 मिनट लगेगा आप लोगों को ये बना के उनको सर्व करने के लिए। और इसको बनाने के लिए भी आपको कोई प्री प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना सीखते हैं ओपस पीनट कतली, यानी कि 5 मिनट में पीनट कतली। तो इसको बनाने के लिए मैं 1 कप और 2 बड़े चम्मच मूँगफली ले रही हूँ, और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हम लोगों को इसको ब्राउन नहीं बनाना, बस उतना ही फ्राई करना है जब तक इसका स्किन ना निकल आए। देखिए मैं एक उठा के आपको दिखा रही हूँ, इसका स्किन निकल रहा है, मतलब ये रेडी है। अब सारे पीनट्स का हम लोग स्किन निकाल देंगे और इसको पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए मैं एक चटनी जार का यूज़ कर रही हूँ। इसको सेम जैसे हम लोग काजू को पीसे थे वैसे ही पीसना है, पल्स मेथड में 10 सेकंड तक पल्स करना है, फिर मिक्स करना है, फिर मिक्सर का ढक्कन बंद करके इसको फिर से 10 से 20 सेकंड तक पल्स करना है। इसी तरह से हम लोगों को तब तक इसको पीसना है जब तक ये पाउडर फॉर्म में ना आ जाए। क्योंकि पीनट का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको 2 बैचेस में पीस रही हूँ। देखिए पाउडर से हो गया है, फिर भी पीनट थोड़े से बच गए हैं इसलिए मैं इसको फिर से पाउडर बना रही हूँ। अगर आपको डाउट है कि पाउडर ठीक से नहीं बन रहे हैं तो आप इसको सीव भी कर सकते हैं। देखिए ये पाउडर बन के रेडी है और मैं 2nd बैच को भी ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा पाउडर बना है, बिल्कुल भी नॉन स्टिक बना है और स्टिकी थोड़ा सा भी नहीं है, चिपचिपी भी नहीं है। इसी तरह से पाउडर हम लोगों को चाहिए। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे और शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप के लिए मैं ओपस शुगर सिरप हैक यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 2 लीटर कुकर का ही यूज़ करना है। पहले मैं ले रही हूँ 200 ग्राम चीनी, यानी कि 1 कप शुगर। इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 कप पानी, यानी कि 60 ml वाटर। इसके बाद ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए, नीचे ना चिपक जाए, इसको एक बार मिक्स कर देंगे। फ्लेवरिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इसके बाद कुकर को कर देंगे बंद और हाई फ्लेम में 4 सीटी आने तक, यानी कि 3 मिनट 50 सेकंड तक इसको पकाना है। इसलिए मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर लिया है। जब तक सीटी आता है तब तक मैं पीनट पाउडर को मेज़र कर लेती हूँ। देखिए एग्जैक्टली 200 ग्राम पाउडर चाहिए, पीनट पाउडर चाहिए हम लोगों को। इसके बाद पीनट पाउडर में हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से पीनट कतली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको स्किप मत करिएगा। इसके बाद एक छोटे से बॉल को हम लोग अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और मैं घी ले रही हूँ ग्रीस करने के लिए, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पीनट पाउडर को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो शुगर सिरप गैस पे भी बना सकते हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसके बाद देखिए मैं अच्छी तरह से पीनट पाउडर, मिल्क पाउडर और इलायची के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी 3 मिनट हो चुके हैं, वे फर्स्ट व्हिसल आने वाला है। हम लोग को व्हिसल का और टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम लोग इस मेथड में बना रहे हैं शुगर सिरप। तो देखिए फर्स्ट व्हिसल 3 मिनट 10 सेकंड में आया है, सेकंड व्हिसल 3 मिनट 30 सेकंड में आया है, और थर्ड व्हिसल 3 मिनट 50 सेकंड में आया है, और फोर्थ व्हिसल इमीडिएटली आ गया है। इसलिए मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इमीडिएटली हम लोगों को इसका प्रेशर रिलीज करना है, नहीं तो शुगर सिरप ज़्यादा पक जाएगा। इसको ढक्कन को खोल देंगे और इसको एक बार कर देंगे मिक्स। देखिए मैं चेक करके दिखा रही हूँ, एक तार की चाशनी बनी है, परफेक्ट एक तार की चाशनी बनी है। इसके बाद इस चाशनी को हम लोग पोर कर देंगे पीनट के पाउडर के अंदर। आप पीनट पाउडर को भी चाशनी के अंदर पोर कर सकते हैं।
इसके बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होने लगेगा। पीनट पाउडर बहुत जल्दी शुगर सिरप अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए एक से दो मिनट के अंदर ये पूरा थिक हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये धीरे धीरे सॉलिड होने लगा है, बहुत ही गाढ़ा होने लगा है। फिर भी हम लोग अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे। अगर डो स्मूथ नहीं बनता है तो कतली भी स्मूथ नहीं बनेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दो मिनट के लिए। ये बहुत ही हार्ड हो चुका है, अब ये बाउल के अंदर मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा घी लगा के इस मिक्सर को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ले आऊँगी। आप चाहे तो कोई भी थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी का यूज़ करें। और ये बहुत गर्म है, हाथ से हैंडल नहीं होगा। अभी इसको ठंडा करने के लिए मैं चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से प्रेस करते जाइए, इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे और कतली अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जब तक ये हाथ से हैंडल लायक ना हो जाए तब तक इसको चम्मच के हेल्प से ही प्रेस करते जाइए। इसके बाद थोड़ा सा वार्म हो तब इसको हाथ से अच्छी तरह से नीड करिए। हाथ को बीच बीच में ग्रीस करिए घी से या फिर तेल से। इसके बाद इसको अच्छी तरह से नीड करते जाइए। इसको नीड करके हम लोगों को चिकना बनाना है, तभी अपनी कतली काजू कतली के जैसे प्यारे बनेंगे और स्मूथ बनेंगे। देखिए ये दो पूरा स्मूथ हो चुका है, एक भी लम्स नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं बटर पेपर के अंदर इसको डाल रही हूँ। ये बटर पेपर मैंने काजू कतली में यूज़ किया था, इसलिए मैं इसको ग्रीस नहीं कर रही हूँ। रोलिंग पिन को ग्रीस कर लिया है मैंने। इसके बाद जो पीनट का डो है इसको अच्छी तरह से हम लोग बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इसको एविनली चारों तरफ से बेलना है। इसी तरह से बनाएंगे तो आपको आधा किलो के करीबन पीनट कतली मिल जाएंगे घर पे। आप चाहे तो पीनट के साथ थोड़ा सा काजू भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी काजू कतली के जैसे लगेंगे। उसको साइड को मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नहीं हो रहा था मैनेज, इसलिए मैं इसको नीचे ले आई हूँ। इसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे। आपको जिस तरह से पीसेस चाहिए आप उसी तरह से इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको, आपके पास टाइम है तो आधा घंटा के लिए इसको फ्रीज में रखिए। अगर टाइम नहीं है तो आपको, आप इसे इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं। इस बार मैं सिल्वर वर्क का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप लोग इसको जो घर में ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मैक्सिमम आपको 7 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। देखिए इसका थिकनेस, ये कितने स्मूथ लग रहे हैं पूरे हलवाइयों के जैसे। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching. Bye-bye.